श्री हरि सेवक जी अलवर। श्री हरि सेवक जी का जन्म हुआ अलवर राज्य के थाना ग्राम में, राजपूतों के कछवाहा कुल में। वे बचपन से ही हरि भक्ति करते और साधु संतों का संग करते। एक बार उन्होंने सुना कुछ साधुओं को चरणदास जी का यह पद गाते, भक्तजन सो हरि के मनभावे, निष्कामी अरु प्रेम हिये में, अनन भक्ति चितलावे, आन देव जो मोती बरसे तो नहीं पति आवे, प्रभु के चरण कमल के ऊपर भंवर भयो लिपटावे, रिद्धि न चाहे सिद्धि न मांगे दर्शन को ललचावे, मुक्ति आदि दे चाह न कोई आशा सकल गवावे, रोम ही रोम पुलक सब देही गोविंद के गुण गावे, गदगद वाणी कंठ उसासे नैनन नीर ढरावे, परमेश्वर मिलन की लहरे एक आवे एक जावे, कहे सुखदेव चरण ही दासा हरिहु कंठ लगावे। हरि सेवक जी इस पद से बहुत प्रभावित हुए। पद के अंतिम शब्द हरिहु कंठ लगावे कई दिन तक उनके कान में गूंजते रहे, पर उनके मन में शंका जागी, क्या सचमुच भक्ति भाव से हरि का गुणगान करने वाले भक्त भगवान को इतने अच्छे लगते हैं कि वे उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। वे गए दिल्ली, चरणदास जी महाराज के दर्शन किए, दंडवत करके करजोड़ निवेदन किया, महाराज एक शंका है, आप आज्ञा दो तो कहूँ। कहिए भाई, आपका एक रचित पद है भक्तन सो हरि के मन भावे, उसमें आपने कहा कि जो निष्कामी जन केवल गोविंद दर्शन के लोभ से उनका गुणगान करते हैं वे गोविंद को बहुत प्रिय हैं, उन्हें गोविंद आकर हृदय से लगा लेते हैं, क्या यह सत्य है कि केवल उनका गुणगान करने से भी इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि आकर हृदय से लगा लेते हैं? बस यह बात बिल्कुल सत्य है, भगवान जितना प्रसन्न होते हैं हरि कीर्तन से उतना और किसी साधन से प्रसन्न नहीं होते। जो लोग अपने हृदय में और किसी कामना वासना का पोषण नहीं करते, केवल उनके दर्शन के लोभ से उनके नाम गुण लीला आदि का कीर्तन करते हैं, उन्हें वे अवश्य दर्शन देते हैं। केवल दर्शन देकर ही संतुष्ट नहीं होते, उनके हाथ भीग जाते हैं, उनके पीछे पीछे फिरते हैं। श्रीमद् भागवत में उन्होंने स्वयं अपने मुख से कहा है, अहम भक्त पराधीनो अस्वतंत्र एव द्विज, मैं भक्तों के पराधीन हूँ, मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। और तो और यहाँ तक कहा है कि मैं भक्तों के पीछे पीछे फिरा करता हूँ, जिससे उनकी चरणों की रज उड़कर मेरे ऊपर आ जाए और मैं पवित्र हो जाऊँ। कीर्तन उन्हें इतना प्रिय है कि जहाँ उनके भक्त कीर्तन करते हैं वहाँ उन्हें कोई भी ना बुलाए तो भी स्वयं जाके बैठ जाते हैं और तब तक जमकर बैठे रहते हैं जब तक कीर्तन होता है। मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। महाराज भगवान का गुण कीर्तन करते करते हम बहुत से लोगों को देखते हैं पर ऐसा नहीं लगता कि उन्हें भगवान के दर्शन देते और उनको गले लगाते हो। बात तुम्हारी ठीक है, बस वे लोग कीर्तन तो करते हैं पर शुद्ध हृदय से केवल भगवान के दर्शन के लोभ से नहीं करते, उनके हृदय में अन्यान्य कामनाएं बनी रहती है, इसलिए उनको भगवान दर्शन नहीं देते। कीर्तन करते करते कीर्तन के प्रभाव से जब उनका आत्मा शुद्ध हो जाता है और भगवान के दर्शन का सच्चा लोभ जाग जाता है तब उन्हें अवश्य दर्शन होते हैं। जब भगवान उन्हें दर्शन किए बिना और उनके दर्शन किए बिना रह ही नहीं सकते। यदि हृदय शुद्ध हो तो भगवान को कीर्तन द्वारा प्राप्त कर लेना जितना सहज है उतना और किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना सहज नहीं, क्योंकि अन्य सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें प्रयत्न करना होता है। यह लक्ष्य ऐसा है जिसमें हमें प्रयत्न करना आरंभ करने के साथ ही स्वयं लक्ष्य हमें प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हो जाता है। कलयुग में तो भगवान के नाम गुण कीर्तन करने के सिवाय उन्हें प्राप्त करने का दूसरा उपाय है ही नहीं। कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। आश्चर्य यह है कि जो लक्ष्य सबसे बड़ा है और जिसे प्राप्त करना भी सबसे सहज है उसे छोड़ करके जीव अन्य अन्य लक्ष्यों के पीछे भटकता फिरता है। हरि सेवक के मन में बात घर कर गई। उन्होंने उसी क्षण कीर्तन द्वारा भगवान को स्वयं प्राप्त करके दूसरे भूले भटके जीवों को प्राप्त करा देने का निश्चय किया। उन्होंने श्री चरणदास जी महाराज से दीक्षा ली
और उनका आशीर्वाद ले निकल पड़े इस उद्देश्य से भ्रमण कर जगह जगह भगवान का गुण कीर्तन करने के लिए। वे जहाँ भी जाते पहले यह पद गा के भक्तों का आह्वान करते, आओ साधो हिलमिल हरि यस गावे, प्रेम भक्ति की रीति समझ करी हिस्सो श्याम रिझावे, गोविंद के कौतुक लीला गुण ताको ध्यान लगावे, सेवा सुमिरण वंदन अर्चन नौधा सोचित लावे, आपकी अवसर भलो बनो है बहुरी दाव कब पावे, भजन प्रताप तरे भवसागर और आनंद बढ़ावे, सतसंगति को साबुन लेकर ममता मेल बहावे, मन को दो निर्मल करी उज्ज्वल मगन रूप भेजावे, ताल पखावज झांझ मंजीरा मुरली संघ बजावे, चरणदास सुखदेव दयासु आवागमन मिटावे। फिर भगवान की लीला गुण आदि का कीर्तन करते, ऐसा करते करते उनको लीलाओं के दर्शन हो गए और होने लग गए। वे जहाँ भी कीर्तन करते कीर्तन की महिमा का वर्णन करते और कहते कि हरि कीर्तन में स्वयं श्री हरि विराजमान रहते हैं। साधारण लोगों को इस पर विश्वास ना होता, वे प्रभु से इसके लिए प्रार्थना करते। एक दिन किसी विशेष उत्सव में हरि सेवक जी ने पैरों में घुंघरू बांध बड़े भाव से नृत्य किया। गोविंद जी ने प्रसन्न हो उनको हृदय से लगाया और अपना पीताम्बर उड़ा दिया। हरि सेवक हो प्रेमयुत गायो, हरि पीताम्बर आनी उड़ायो। गोविंद का साक्षात दर्शन और उनका स्पर्श तो हरि सेवक जी को ही हुआ, पर पीताम्बर सबने देखा। तब सबको विश्वास हुआ कि सचमुच हरि कीर्तन में हरि आया करते हैं। कहते हैं कि पीताम्बर हरि सेवक जी के पास बना रहा, वे नित्य पूजा के समय उसे मस्तक पर धारण करते, हृदय से लगाते, पर उनके तिरोधान के पश्चात वह अदृश्य हो गया। भगवत प्राप्ति के पश्चात भक्त में भगवान के सभी गुण स्वतः संचरित होते हैं, वह उन्हीं के समान त्रिकालज्ञ और वरदानी हो जाता है। एक बार हरि सेवक जी अलवर गए हुए थे। थाना के जागीरदार ने उनसे अपने लड़के बख्तावर सिंह के भविष्य के बारे में पूछा। उन्होंने कहा, तुम्हारा लड़का अलवर का राजा बनेगा। अलवर के राव राजा प्रताप सिंह नरू का कोई लड़का नहीं था। बीजावड़ ग्राम के उनके एक निकट संगंदी का उनकी गद्दी पर हक पहुंचता था, पर उन्होंने गोद लिया बख्तावर सिंह को, इसलिए संवत 1847 में उनकी मृत्यु के पश्चात बख्तावर सिंह अलवर के राव राजा बने। बख्तावर सिंह जी ने हरि सेवक जी को जागीर देने को कहा और स्थायी रूप से अलवर में रहने को कहा। उन्होंने जागीर नहीं ली, पर अलवर में ढोली के कुएं के पास राधा कृष्ण का अपना मंदिर बनवाया, उसमें रहने लगे। एक बार बख्तावर सिंह जी शिकार खेलने गए। उन्होंने एक जंगली सुअर का पीछा किया। सुअर एक दरगाह में घुस गया। उसी समय से बख्तावर सिंह के पेट में ऐसे पीड़ा होने लगी। उन्होंने समझा कि दरगाह के पीर के कुपित हो जाने के कारण उनको दंड मिला है। उन्होंने दरगाह के मौलवी से कहलवाया कि उनके लिए पीर से प्रार्थना करने को। मौलवी ने कहा कि राजा साहब स्वयं दरगाह पर आकर हाथ जोड़कर पीर से प्रार्थना करें, तभी उनका दर्द दूर हो सकता है। हरि सेवक जी के पास भी बख्तावर सिंह ने आदमी भेजा। उन्होंने कहा, हरिनाम कीर्तन से सब अमंगल दूर होता है। राजा साहब ने नाम कीर्तन करने को कहा, दर्द जाता रहेगा। बख्तावर सिंह ने ऐसा ही किया और उनका दर्द जाता रहे। तब से बख्तावर सिंह जी हरि सेवक जी के अनन्य भक्त हो गए। वे उनका गुरुवत आदर करते, उनकी सेवा सुशिक्षा में तत्पर रहते, उनकी कृपा और आशीर्वाद से भगवत भक्त हो गए। उन्होंने राजस्थानी भाषा में बहुत सी भक्तिपरक रचनाएँ की है। हरि सेवक जी की परंपरा में ब्रह्मदास जी और उनके शिष्य दयादास जी दो सिद्ध संत हो गए हैं। बोलिए, श्री हरि सेवक जी की जय हो, श्री चरणदास जी की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल जी की जय हो।